चलिए सोचते हैं कि हाफ टाइम्स हाफ टाइम्स फाइव का हाफ टाइम्स फाइव का क्या मतलब है हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है तो इसलिए मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि हाफ टाइम्स फाइव का मतलब हुआ हाफ को इस वन बाई टू को मुझे फाइव टाइम्स ऐड करना है यानी कि यह हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू और प्लस वन बाई टू अब यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो मैं सारे न्यूमिनेटर्स को आराम से ऐड कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू यानी कि फाइव बाई टू फाइव बाई चलिए अब हम इसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं जैसे कि यहाँ पे है हाफ़ टाइम्स फाइव तो एक तरीका तो हो गया इसको लिखने का हाफ़ टाइम्स फाइव और अगर मैं इसे उल्टा करके लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स हाफ़ दोनों एक ही चीज़ें हैं बिल्कुल फर्क नहीं है दोनों में आप हाफ टाइम्स फाइव करें या फाइव टाइम्स हाफ करें दोनों आपको फाइव बाई टू देगा लेकिन देखते हैं कि दोनों तरीके से हमें इसको देखने पे भी हमको सेम चीज मिलेगी ये बात मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जैसे कि मान लेते हैं पहले इसको देखते हैं हम इस वाले को तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये पांच के लिए हम कुछ पांच चॉकलेट के पीसेस ले लेते हैं कुछ ऐसा ये पांच चॉकलेट के पीस है मेरे पास अब इसका मुझे हाफ़ करना है क्योंकि यहाँ पे हाफ़ दिया हुआ है फाइव का मुझे हाफ़ करना है तो इस पांचों चॉकलेट के पीस का हाफ कुछ यहाँ पे होगा ठीक इसका आधा यहाँ पे और अगर मैं इसे शेड कर दूँ तो ये वाला पीस ये दूसरा वाला पीस और ये तीसरे पीस का आधा ये मिलके मुझे इस पूरे का हाफ दे देंगे यानी कि फाइव चॉकलेट्स का हाफ यानी कि ये फाइव बाई टू को रिप्रेजेंट करेगा फाइव, फाइव बाई टू को अब आप ये लेफ्ट वाला पोर्शन ले लीजिए या राइट वाला पोर्शन ले लीजिए एक ही बात है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये पूरा भी यहां से यहां तक फाइव बाई टू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है फाइव बाई टू को अब ये तो था इसको एक तरीका देखने का अब चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं यहां पे हमने लिखा है हाफ टाइम्स फाइव जो कि मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि ये सेम चीज है बस हम इसको एक दो तरीके से देख रहे हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है तो इसको मैं मान लीजिए हमारे पास फिर से पांच चॉकलेट्स आ गए अब मैं हाफ को और किस तरीके से शो कर सकता हूं तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक चॉकलेट का पीस लू ये एक चॉकलेट का पीस और इसको मैं हाफ कर दू इसका मैं हाफ पोर्शन ले लू एग्जैक्टली हाफ तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो यहां पे पोर्शन है ये लेफ्ट वाला या फिर ये राइट right वाला ले लीजिए कोई भी हाफ पार्ट आप ले लीजिए तो क्या ये मेरा हाफ को रिप्रेजेंट करेगा इसको मैं बोल सकता हूं कि क्या ये पोर्शन मेरे इस हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई थिंक सो ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे मेरे पास कितने हाफ होंगे चलिए देखते हैं तो मैं हर चॉकलेट के पीस को मैं हाफ ऑफ पार्ट में बाट्स देता हूं तो ये हो जाएगा मेरा तीसरा और चौथा पार्ट एक दो तीन चार ये हो जाएगा पाँचवा और छठा ये हो जाएगा सेवेंथ और एट्थ और ये दे देगा मुझे नाइन्थ और टेंथ इसको ठीक से बना लेते हैं ये हो जाएगा मेरा नाइन्थ और टेंथ फिर से ये हो जाएगा मेरा नाइन्थ और टेंथ तो यहाँ पे मुझे हर चॉकलेट के हाफ ऑफ पोर्शंस मिल गए तो मैं अगर इसको ध्यान से देखूँ तो मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल टेन हाफ्स हैं लेकिन मुझे कितने हाफ्स लेने हैं सिर्फ फाइव हाफ्स लेने हैं तो चलिए लेते हैं तो ये है मेरा पहला हाफ़ ये हो गया मेरा दूसरा हाफ ये हो गया मेरा तीसरा हाफ ये है मेरा चौथा हाफ़ और ये है मेरा पांचवा हाफ तो अगर हम इस तरीके से भी लें, तब भी हम इस पूरे चॉकलेट के हाफ तक ही पहुंचते हैं तो ये भी मेरा फिर से इस तरीके से भी ये फाइव बाई टू को ही रिप्रेजेंट करेगा फाइव बाई टू अब आप इधर से पांच पोर्शन ले लें या फिर इधर से पांच पोर्शन ले लें, एक ही बात है ये भी मेरा हो जाएगा फाइव बाई टू के बराबर पांच पीस के हाफ के बराबर हो जाएगा तो ये तो था इसको देखने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले दोनों को फ्रैक्शंस में लिख देंगे जैसे कि यहां पे फाइव है और यहां पर हाफ है तब हम यहां पे लिख देंगे फाइव को हम लिख सकते हैं ना फाइव अपॉन वन ये हो गया फाइव बाई वन जो कि फाइव के ही बराबर है इन टू वन बाई टू वन बाई टू तो जो का तो यहां पे आ जाएगा अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसके न्यूमरेटर्स को एक साथ इस न्यूमरेटर्स को एक साथ और इस डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा फाइव टाइम्स वन डिवाइडेड बाय फाइव टाइम्स टू और इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर से हमारे पास फाइव इंटू वन हो जाएगा हमारा फाइव फाइव टाइम्स वन हो जाएगा फाइव डिवाइडेड बाई वन टाइम्स टू हो जाएगा हमारा 2. तो फिर से ये मेरे पास 5 बाई टू के बराबर आ गया तब ये आप ऐसे कर लें या फिर ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दे आंसर हमेशा सेम आएगा और हमने देखा कि कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं